जब भी किसी भी डाइपोल को हम देखेंगे तो डाइपोल पर डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो पता चलता टॉर्क होता टॉर्क हमेशा डाइपोल को स्टेबल करने का प्रयास करता है लेकिन जब वो स्टेबल करता है तो उसके अंदर एक वेलोसिटी आती है एंगुलर वेलोसिटी जब वो मीन पोजीशन पे स्टेबल पोजीशन पे पहुंचता है तो इनर्शिया की वजह से वो रुक नहीं पाता वो फिर नीचे आ जाता है लगता था फिर क्या करता भैया फिर टॉर्क करता फिर उसको स्टेबल करने का प्रयास करता फिर उसके पास इनर्शिया आता फिर वो आगे बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है इसे कहते हैं बार मैग्नेट का ऑसिलेशन ये भैया तो भाई लिखा हुआ है मैंने बार मैग्नेट टेस्ट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय एंगल थीटा इट एक्सप्रेस टॉर्क दिस टॉर्क रिस्टोर द डाइपोल इन इक्विलिब्रियम स्टेट डाइपोल को क्या करता है भैया इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिस्टोर करने का प्रयास करता है बट ड्यू टू द एमवाई डाइपोल पावर शुड बी इक्विलिब्रियम स्टेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से डाइपोल क्या करता है भैया मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाता है ठीक है ये टॉर्क प्ले द रोल ऑफ प्ले द रिस्टोरिंग फोर्स फैक्टर नहीं था तो डिवाइड में आ गया और उसके बाद आपने ऐसे लिख दिया अच्छा आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा भैया आपका एक्सीलरेशन आएगा क्या आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन ऐसे ही टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप थीटा को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भैया एंगुलर एक्सीलरेशन क्या आएगा लीनियर पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन और एंगुलर पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन भैया तो भैया हमने इसको क्या लिख दिया d थीटा अपॉन में dt स्क्वायर प्लस mb i अपॉन में इनटू में थीटा बराबर हो जाएगा ये किसकी फॉर्म आ रही है सिंपल हार्मोनिक फॉर्म और आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक फॉर्म अगर मैंने लिखा था अगर आप क्लास में याद होगा आपको तो ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर में जीरो ये था सिंपल हार्मोनिक फॉर्म ये थी ना और यहाँ पर ये आई है अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो उसकी जगह पे ये है बोलो हाँ थीटा की यहाँ पे थीटा है तो ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पे कौन है भैया एफ बी तो हमने क्या लिख दिया ओमेगा स्क्वायर बराबर में एम बी अपॉन में आई तो ओमेगा क्या होगा भैया अंडर रूट एम बी अपॉन में आई ये क्या हुआ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा भैया तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया अगर आप देखो तो ओमेगा में क्या लिखते हो टू पाई है क्या लिखते हो अंडर रूट में एम बी जल्दी से कॉपी कीजिए भैया भैया एक सोल्यूट है एक क्या भैया एक सोल्यूट है सर्कुलर कॉइल है नंबर ऑफ टर्न कितनी भैया दो हजार करंट कितना है चार एम्पीयर है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1.6 मीटर स्क्वायर फिर क्या क्या करा तो दिए इसको नेगेटिव अच्छा सर्कुलर फाइल है नंबर ऑफ पेज कितनी है बोला कर ले रेडियस क्या भैया 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर है
एरिया निकाल लो ना पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर को ले ना एरिया आ जाएगा। अच्छा भैया कह रहा है करंट कितना है 0.75, तो मोमेंट वो निकाल लोगे एम क्या होता है एरिया, एम कितना है 16, आई कितना है 0.75, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे हम जब ये कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5×10⁻²⁺ टेस्ला, और इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या है ऐसा मैं ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो नॉर्मल क्या होगा ये प्लेन है नॉर्मल ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल ऐसी है, तो एंगल कितना होगा 0, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर रखा था। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया मैग्नेटिक मोमेंट तो आपको पता ही है। ठीक है भैया, कह रहा है किसी बंदे ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब करेंगे तो क्या लगेगा टॉर्क, और टॉर्क क्या करेगा रिस्टोर करेगा और ऑसिलेशन क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहा है भैया जो ऑसिलेशन में जो टाइम फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी भैया 2 हर्ट्ज। ठीक है भैया, तो कह रहा भैया आपको इनर्शिया निकालना, क्या निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को 1/2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन में आई, आई निकालना आपको, एफ देखा है एम निकाल दिया आपने एयर ऊपर, और बी देखा है आई निकाल, कोई दिक्कत नहीं भैया आई निकाल दीजिए। आंसर आ गया हो गया भाई। अबे अगला क्वेश्चन की भैया, ओए हाजी पहला क्वेश्चन पहला वाला 310 नंबर अपने कितनी भैया 8 यार है 800 देखिए भैया सेकंड क्वेश्चन इससे डिपेंडेंट है, क्या कह रहा है क्या निकालना है, कह रहा भैया सोलेनोइड टर्न अबाउट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की भैया 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क निकालना आपको, टॉर्क एमबी साइन थीटा होगा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री का, क्या है एम निकाल दिया यहां से, तो किस क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, बी दे रखा है आपको और साइन थीटा भी है 30 डिग्री, आंसर आएगा। एक क्वेश्चन आता है भैया ड्रॉ द ग्राफ इन बिटवीन, ड्रॉ द ग्राफ इन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड कोसाइन ससेप्टेबिलिटी एंड टेंपरेचर, इनके बीच में ग्राफ खींचना है आपको। ये भैया तो कैसे खींचेंगे, तो ये देखिए ओए क्या देखिए भैया काई पॉजिटिव में सी अपॉन में टी था, तो काई इस इनवर्सिबल टू क्या भैया टी, तो ग्राफ कैसे आएगा भैया ये है काई ये है टी, ऐसा ग्राफ कॉपी करो आंसर आ गया। चलो ठीक है टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत।